हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं इंसब्रक, ऑस्ट्रिया के शहर, और अभी हम रास्ते में ही हैं। मेरे साथ शाहजी हैं और पीछे राहिल बैठा हुआ है और सलमान भाई। राहिल भाई, हाउ आर यू फीलिंग? दिल बारी बारी हो रहा है क्योंकि आपने मेरी जगह ले ली है। अभी काफ़ी देर से राहिल जो है फ्रंट सीट पे बैठा हो, तो मैंने कहा भाई आप पीछे आ जाओ, ज़रा पैसे पूरे हो गए हैं। और अभी हम किस जगह जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्वारोस्की क्रिस्टल वेल्टन, और यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ बनी है। अभी हम इंसब्रक की तरफ ही जा रहे थे और रास्ते में हमें एक ये व्यू पॉइंट मिला है, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। पीछे पहाड़ हैं और उनके ऊपर स्नोफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अभी लोम्बार्डिया में गर्मी ख़त्म हुई है सिर्फ, और यहाँ पे स्नोफॉल पहाड़ों के ऊपर शुरू भी हो चुकी है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये। ये वो पॉइंट है जिस पे इंडियन काफ़ी मूवीज़ बनी है। ये छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, और इसका नाम है स्वारोस्की क्रिस्टल वेल्टन। ये ऑस्ट्रियन नेम ही है। वो जो स्टैचू है जिसके मुंह से पानी निकल रहा है, उसके साथ ही ये पार्क है। साथ में ये पार्क भी है एक छोटा सा, और इसमें ये एक पूल सा बना हुआ है और नीचे ब्लैक वाटर है। शायद पत्थर लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो ब्लैक कलर की है, और इसके ऊपर क्रिस्टल क्लाउड्स लगे हुए हैं जो कि रात को ये ऑन कर देते हैं, और ये लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी हम जा रहे हैं इंसबर्ग शहर में, और वहाँ पर जाके सबसे पहला जो काम करना है वो हमने करना है। क्या करना है शाहजी? खाना। हाँ जी, जो पूरे दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, खाना। शाम के 5 बज रहे हैं और ज़्यादातर रेस्टोरेंट इंसब्रक सिटी में बंद है, और हमें भूख लग रही है क्योंकि हमने लंच जो है वो लाइट सा किया था, और अब हमें एक मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला है जो खुला हुआ है, और अब यहीं पे खाना वगैरह खाएंगे। हम खड़े हैं इंसब्रुक के रिवर के ब्रिज के ऊपर, और मज़े की बात यह है कि इंसब्रुक जो नाम है उसमें इन कहते हैं रिवर को और ब्रुक कहते हैं ब्रिज को। तो अभी बेसिकली हम इंसब्रुक के अंदर इंसब्रुक पे खड़े हैं। बिल्कुल, ये शहर जो है ज़्यादा स्कीइंग के लिए मशहूर है, पूरे यूरोप से और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर स्कीइंग करने आते हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर ऑलरेडी, वरना यह सितम्बर का महीना है और सितम्बर में ऑलरेडी जो है यहाँ पर स्नो हो चुकी है।
इन्सब्रुक सिटी जो है आप अगर गूगल में लिखें तो उसमें सबसे पहले जो आपको आर्किटेक्ट्स देखने को मिलेगा, जो बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी वो ये हैं हमारे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं। ये कलरफुल बिल्डिंग्स जो हैं ये यहाँ की पहचान है। और इसके सामने बिल्कुल ये इन्सब्रुक का रिवर है मेन, जो इस सिटी के अंदर से रिवर गुजरता है। तो इन्सब्रुक ऑस्ट्रिया से वापस आ गए हम इटली में और अभी हम बुल्जानो वाले एरिया में हैं। हमने वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि हमने इटली के इस एरिया में जो बॉर्डर साथ लगते हैं ऑस्ट्रिया के, इस एरिया में एक दो लेक्स थी जो हमने विज़िट करनी थी। लेक ऑफ ब्राइज जो है वो भी इसी एरिया में आती है लेकिन वो हम सब ने विज़िट की हुई है पहले ही ऑलरेडी। तो अभी एक दो और लेक्स हैं जो इसी एरिया में आती हैं और वो हमने विज़िट करनी है, इसलिए हमने इन्सब्रुक में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और हम वहाँ से जल्दी निकल आए। अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया जहाँ पे हमने नाइट स्टे करना है, तो सुबह निकलेंगे यहाँ से उन लेक्स की तरफ जो हमने विज़िट करनी है। ये लेक जो है त्रेंटिनो आल्टो में ही आती है और प्रोविंचा बुल्जानो जो है उसी के अंदर ये लेक आती है। और ये छोटी सी एक अल्पाइन लेक है पहाड़ों के बीच में और बहुत ही खूबसूरत है। इसको इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ पे और यूट्यूब वीडियोस में बहुत बार देखा है लेकिन आज लाइव देखने आए हैं यहाँ। लेक ऑफ करेसा देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट लेक पर। लागो दी करेसा से होके भूख बहुत साथ लगी थी और सीधा हम गए लंच करने, एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, खाना अच्छा था, थोड़ा सा ओवर प्राइस था, खैर होता रहता है। अभी हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं लागो दी मोलवेनो। लागो दी मोलवेनो थोड़ा सा बड़ा है लागो दी करेसा से। जी तो अभी लेक ऑफ मोलवेनो पे हमने बोट रेंट आउट किया है और ज़रा इस लेक का चक्कर लगा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। जी तो अभी हम जा रहे हैं वापस ब्रेशिया घर और दैट वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते फिर मिलेंगे चलते चलते इंशाल्लाह।